सीएम सुक्खू का सबसे बड़ा व्यवस्था परिवर्तन, अधिकारियों को गुड वेरी गुड की जगह मिलेंगे 1 से 10 तक के अंक। सुक्खू बोले, अब अधिकारियों के कार्य परिणामों से जुड़ा होगा प्रदर्शन मूल्यांकन। काम नहीं करने वाले अफसरों की होगी नेगेटिव मार्किंग। वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर प्रशासनिक सचिवों, उपायुक्तों और अधिकारियों को मिलेगा कार्यभार। हिमाचल प्रदेश में आईएएस सहित सभी प्रथम व द्वितीय श्रेणी के अफसरों के कामकाज को अब गुड वेरी गुड की जगह 1 से 10 तक के नंबरों से आंका जाएगा। सुक्खू सरकार ने वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन प्रणाली में संशोधन कर दिया है। काम नहीं करने वाले अधिकारियों को नेगेटिव मार्किंग का सामना भी करना पड़ेगा। वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट यानी कि एसीआर के आधार पर ही प्रशासनिक सचिवों, उपायुक्तों और अन्य अधिकारियों को कार्यभार दिया जाएगा। जवाबदेही और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री सुक्खू ने यह फैसला लिया है। सीएम सुक्खू ने बताया कि नई प्रणाली के तहत प्रदर्शन मूल्यांकन सीधे सभी अधिकारियों के कार्य परिणामों से जुड़ा होगा। उत्कृष्ट, बहुत अच्छा, अच्छा और औसत जैसी पारंपरिक वर्णात्मक श्रेणियों को एक संख्यात्मक ग्रेडिंग स्केल से बदल दिया जाएगा। उनकी वार्षिक कार्य योजना की उपलब्धियां, अन्य कार्य संबंधी विशेषताएं और व्यक्तिगत व कार्यात्मक विशेषताएं, सुधारों में नकारात्मक अंकन भी शामिल है। अधिकारियों का मूल्यांकन 3 प्रमुख संकेतकों के आधार पर किया जाएगा, जिसके तहत सरकारी आदेशों या परामर्श का पालन न करने पर अधिकारियों के 1 से 10 के मापदंड पर अपने समग्र ग्रेड से 2 अंक कम होने की भी संभावना हो सकती है। मुख्यमंत्री ने पारदर्शिता को प्रमुख मापदंड के रूप में रेखांकित किया है। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को उनका मूल्यांकन प्राप्त होगा जो कार्य को बढ़ावा देगा और उनके कार्य प्रदर्शन में सुधार को प्रोत्साहित करेगा। वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन प्रणाली प्रक्रिया अब पूरी तरह से ऑनलाइन होगी, जिससे संचालन सुव्यवस्थित होगा और रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए 31 दिसंबर की समय सीमा लागू होगी। कहा है कि यह संशोधन निष्पक्ष और वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए तैयार किए गए हैं, विशेष रूप से क्षेत्र स्तर के अधिकारियों के लिए। उच्च प्रबंधन अधिकारियों का गुणात्मक पहलुओं और व्यक्तिगत विशेषताओं के आधार पर मूल्यांकन जारी रहेगा। मुख्यमंत्री ने कहा है कि इससे प्रशासन के भीतर जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी।